अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं इस वक्त हूँ क्राइडोन में, लंदन में एक साइड में जगह है जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। तो अभी करंटली मेरा कुछ ख़ास प्लान नहीं है, मतलब सेंट्रल सिटी लंदन जाने का या इधर उधर। तो मैंने सोचा ये क्राइडोन सिटी जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं करीब करीब यहाँ सारा, क्योंकि क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी एक सिटी है, ये भी एक जगह है, यहाँ भी लोग आते हैं, यहाँ भी सब ज़बरदस्त माहौल है। ये भी लंदन ही है एक्चुअली। तो और कुछ ख़ास इस तरह मुझे नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारा कि यहाँ पर क्या है, लोग कैसे रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, मज़ा आ रहा है घूमने का। तो आराम से पीछे बैठो और इन्जॉय करो व्यू को। ये देखो दुकान के बाहर सारे प्याज टमाटर पड़े हुए हैं। आम वाम हर चीज़ है भाई। केले, 3 केले 1 पाउंड पे। इस तरफ स्ट्रीट पे देखोगे तो आपको सारा लंदन नहीं दिखेगा, लेकिन जब इस तरफ घुमाओगे ये बसेस बसेस दिखेंगे, टैक्सियाँ दिखेगी, और आपको पता चलेगा कि हाँ भाई लंदन है। ये जो ब्लैक टैक्सी है ना जो आ रही है यहाँ की, वो सिग्नेचर टैक्सी है, काफ़ी महंगी होती है ये टैक्सी। जब भी यहाँ पर आओ तो अगर बजट के अंदर ट्रेवल करना है तो इस टैक्सी को अवॉइड करना है, नहीं तो मज़ा तो आएगा। टैक्सी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब टैक्सी से निकलोगे ना तो पूरा दिवालिया निकल जाएगा। इस व्लॉग में बातें कम है, बस देख देख के इन्जॉय करो। मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देखो। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम इस तरफ आया। ये एक्चुअली है क्राइडोन मार्केट, और मैं भी लंच करके निकला हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट करके निकला था। बहुत ज़बरदस्त हवा, अच्छी हवा चल लग रही थी और ज़बरदस्त मौसम था। और क्राइडोन में यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, घूमने के लिए सेंट्रल लंदन इधर उधर जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्राइडोन ये भी फेमस जगह है, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो करीब एक मार्केट है यहाँ पर, बाज़ार। मैंने कहा यहाँ पर चलो मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसा है। There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you gotta be the one that saves me. And after all, मॉल है थॉट्स टू हाउस ऑफ फ्रेशर, बहुत प्यारी जगह है। देखो साइड में ये मार्केट है, मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच दरख्त लगे हुए, झाड़ लगे हुए हैं। और मैं वॉक करके एंजॉय कर रहा हूँ, बस कुछ भी मेरा प्लान नहीं है, मैं आगे ही जा रहा हूँ। जस्ट इन्जॉय द व्यू। आई होप आप लोगों को ये वैसे ही दिख रहा हो जैसे मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स जो पर्सनली यहाँ पर अब मैं घूम रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, कभी धूप कभी बादल, देखो कभी दरख्त, तो इसका एक अलग ही एटमोसफेयर है। Amazing. ये यहाँ का ट्रेम है जो क्राइडोन में चलता है यहाँ पे।
सारे बाइक्स वाले जो है ये डिलीवरी वाले डिलीवरी करते हैं और पाउंड कमाते हैं। मार्केट है, मुझे मार्केट देखा, इसको देखते हैं, वेजिटेबल मार्केट है। लंदन में जो है ना थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा आपको, कैमरा इस तरह कैमरा या मोबाइल हाथ में पकड़े हुए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर है सीन, कोई भी खींच के भाग सकता है। तो कल मैं लंदन में घूम रहा था, मुझे दो तीन लोगों ने वार्न किया कि भाई आपने इस तरह मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह मत पकड़ो। बट हम तो दुबई के आदि हैं, दुबई में तो इस तरह सीन नहीं होता। समोसे पकौड़े सब लाइन में खड़े हैं। लंदन में जो है ना स्ट्रीट आर्ट जो होता है ना वो कमाल का है। लोगों ने दीवारों पे जो अजीब अजीब से ड्राइंग्स बनाए होते हैं, अमेजिंग, जगह जगह आपको देखने को ये मिलेगा। भाई हवाएं तेज हो गई, ज़बरदस्त मौसम है, लुक एट दिख रहा है, तेज़ हवा है। अनलिमिटेड डेटा सिम 3 months फ्री, £25 में अनलिमिटेड डेटा 3 महीने के लिए, सर £25 में नॉट बैड, ये तो एक्चुअली अच्छा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं फाइनली अपने जगह पे वापस पहुंच गया हूँ जहाँ पर मेरा स्टे है। तो ये वाली जगह भी आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देता हूँ और फिर इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ये एक मोहल्ला है, मोहल्ला बोलो जगह है, एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, बट अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ये मस्जिद है इधर, जामे मस्जिद क्राइडन मॉस्क। ये जितने भी आपको ये घर दिख रहे हैं ये बंगले टाइप है, इस तरह टिपिकल लंदन के घर जो है, ये ज़्यादातर लोग के अकेले नहीं होते, एक एक घर चार चार तीन तीन लोग शेयरिंग में रहते हैं। तो एक एक फ्लोर मतलब एक एक बंदे ने लिया होता है इस तरह, बाज फ्लोर में भी फिर रूम्स होते, तो अगर बैचलर है तो ने रूम लिया होगा, और फैमिलीज भी होती है पूरा फ्लोर ले लेते हैं, 1 or 2 रूम इस तरह।
और प्राइस डिफरेंट होते हैं। प्राइस के बारे में मैं स्टिल अपनी नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी इट विल बी टू अर्ली अगर मैं अभी कोई बोलूँ कि इसके इतने प्राइस होते, बट इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा यहाँ पर खर्चे वर्चे के बारे में वो मैं फिर बता दूँगा आप लोगों को। फॉर नाउ बट ये है कि अकोमोडेशन सस्ता नहीं है यहाँ पे, अच्छा खासा महंगा है, बट उस हिसाब से कमाते भी इस तरह नहीं है कि इस पर बोझ होता है। कमाते हैं, मिल के रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली वाले रहते तो उनके पर ज़्यादा जाता है क्योंकि उन्होंने फ्लैट वगैरह या फिर ज़्यादा स्पेस ली होती है। शेयरिंग में रहते तो फिर तो रूम शेयर कर देते हैं तो कम देना पड़ता है। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। जस्ट लुक एट दिस स्काई मैन, ये पीछे आसमान को तो देखो, क्या ज़बरदस्त मौसम है। अभी धूप है लेकिन इतनी ठंडी ठंडी अच्छी हवाएं लग रही है ना। इंशाल्लाह अभी तो मेरा यहाँ पर स्टे है और एक्सप्लोर करते रहेंगे, इस तरह लंदन को एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, ऑक्सफोर्ड शायद जाऊँगा, आई डोंट नो स्कॉटलैंड के बारे में सोच रहा हूँ, चले जाऊँ या ना। देखो मैं मज़ा करते करते घर कोई भूल के आ गया। एनीवे मैं और एक्सप्लोर करेंगे, मुझे अपने दोस्त में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।